जय श्री राम दोस्तों। तो कैसे आप सभी लोग, एकदम मस्त। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं राखी सावंत बेबी पॉट इज नॉट और दीपक दलाल के बारे में। सॉरी, गलत बोलते क्या? इसकी माँ का भोला चेहरा दीपक कलाल के बारे में। ये जो गुब्बारा है इसको अभी मैं फुलाऊंगा, लेकिन ये गुब्बारे को मैं गुप्त हवा से भरूंगा। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। वैसे बता दूं, ये दोनों सच सुपरस्टार हैं। आप सभी को इनके कारनामों के बारे में तो पहले से ही पता होगा, क्योंकि ये आए दिन कुछ ना कुछ कांड करते रहते हैं। तुम लोगों को एक बात मैं कंफर्म कर देता हूं कि ये दोनों सस्ते चूती है। जैसे होता है सस्ता एटीट्यूड सस्ते रॉक स्टार, वैसे ये दोनों सस्ते चूती है। आज से ये शब्द भी अपने दिमाग में डाल देना, क्योंकि आज से पहले आपने ये शब्द नहीं सुना होगा। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। ये दोनों बोल रहे हैं कि ये दोनों शादी करेंगे। अब करेंगे या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन बोल जरूर रहे हैं हम हमारे शादी का ऐलान करने जा रहे हैं। वाह, रब ने बना दी जोड़ी, एक तो आंडू पांडू और दूसरी बहन की पकौड़ी। देखो भाई लोगों, अगर इनकी शादी सच में हो गई ना, तो देखो हमको मिलेगी एक तो राखी सावंत की बकचोदी, एक दीपक कलाल की बकचोदी, और अगर दोनों को वैसे मिला दिया ना तो बन जाएगी अद्भुत बकचोदी जो आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। ये शादी टोटली न्यूड होने वाली है। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा लड़का, ये अश्लील है ये लोना। जहर है क्या? जहर नहीं नहीं बस थोड़ा सा ही चाहिए, चूहे मारने की दवा वो भी नहीं है। देखो भाई लोगों, अब तो मुझे इस दुनिया में जीने का मन ही नहीं करता है, और इन दोनों की शादी वो भी न्यूड, वो तो बिल्कुल नहीं। मैं अच्छी लग रही हूँ? रुको रुको रुको, जो भी ये रिपोर्टर पीछे से बोला ना, या तो मुझे लगता है राखी सावंत ने इससे पहले से ही पैसे दे दिए होंगे कि तुझे ये बोलना है, और मुझे लगता है कि ये यार शायद अंधा है। अगर ये भी नहीं है ना, तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ा वाला ही ठरकी है जो इसे राखी सावंत अच्छी लग रही है। आप लोगों को लगती है क्या राखी सावंत अच्छी? कमेंट में जरूर बताइएगा। देखा आपने, लापरवाही का नतीजा है। अगर तुमने मेरा साइड से प्रोफाइल लिया, मैं तुम्हारी इनसे ऐसे ठुकाई करवाऊंगी, तुम्हें याद रखना। ठुकाई करवाऊंगी, तुम्हें याद रखना। एक सेकंड, क्या बोला? ठुकाई? देखो भाई लोगों, मुझे नहीं पता कि राखी सावंत कौन सी ठुकाई की बात कर रही है, लेकिन जिस भी ठुकाई की यह बात करी है वो दीपक कलाल के बस में नहीं है, क्योंकि दीपक कलाल को ठुकाई करने का नहीं, करवाने का शौक है। राखी और दीपक, सबसे पहले तो कांग्रेचुलेशन आपको। क्या कुछ कहना चाहती हैं आप? धन्यवाद। एक मिनट, मैं ऐसे बात नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं जब तक सर पे पल्लू ना ले लूं मैं बात नहीं करती, ऐसा मत। ओह माय गॉड, संस्कार। ये देखे मुझे बाबू भैया की याद आ गई। हे देवा उठा ले रे देवा, उठा ले। ए उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा, मुझे अमीर को। राखी सावंत तो दीपक कलाल को उठा ले। भाई इसका दो दिन पहले कुछ ऐसा सीन था, और अब ये संस्कार की बात कर रही है, पागल राखी। अरे ये तो वही बात होगी, सौ चूहे खाकर बिल्ली हज को जा सकती है क्या? बीवी हो राखी सावंत जैसी तो दीपक कलाल बोलना नहीं, कुछ कुछ करना चाहेगा, लेकिन कुछ कर नहीं पाएगा तुम, क्योंकि राखी बहुत हॉट है। क्योंकि राखी रिलैक्स गाइस, रिलैक्स। अरे दीपक दलाल, चार कचौड़ी समोसे खाकर पादने वाली को हॉट नहीं कहते हैं, पागल है क्या तू? कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। जब मैं उसको पहले टीवी पे देखता था, उसके आइटम सॉन्ग्स देखता था, तो कभी सोचा भी नहीं था कि राखी जो है वो मेरी हमसफर बनेगी। जब ये मेरे आइटम सॉन्ग्स देखते थे तब इनके खड़े हो जाते थे रोंगटे, पागल। जी हाँ, बिल्कुल, सिर्फ रोंगटे खड़े हो सकते हैं, क्योंकि और तो कुछ खड़ा हो नहीं सकता। मैं इतना कन्फर्म से कैसे कह सकता हूँ, इनकी हरकतों से ऐसा लगता है मुझे, इनकी तो हरकतों से ऐसा लगता है। इसका भी मैंने वर्जिनिटी टेस्ट करवाया, और तुम्हें पता है मतलब आप सोच के पूरे दंग रह जाओ। वर्जिनिटी टेस्ट में पूरी तरह से पास हो गई। अच्छा, राखी सावंत का बलात्कार रे बार बार तनुश्री दत्ता ने किया। ओ, गंजा, गंजा। बातें तो ढेर सारी करती है, लेकिन रियलिटी में वो वर्जिन है, क्योंकि उसने एक इंटरव्यू में कहा था, बोलो आगे और पीछे। हाँ, दो हमने टेस्ट करवाई आगे पीछे,
अभी कल हम लोग ऊपर नीचे की भी करवाने वाले। नहीं 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 नहीं, रुको रुको रुको, ऊपर ऊपर का नहीं करवाना, ऊपर का नहीं करवाना। मैं तुमको ऐसे बता देता हूँ, तुम्हारे दिमाग में भरी हुई टट्टी, वो भी एक सुअर की। मैंने वर्जिनी की टेस्ट करवाई आगे से, इसने कहा कि आगे की मुझे गारंटी है, सबसे पहले आप पीछे की करवाओ। और उसके बाद में दबाव में मैंने पीछे की, मैं भी थोड़ा साशंक था, लेकिन सरप्राइजिंगली वो टेस्ट में मैं पास हो गया। घंटा पास हो गया, आगे तो चलो ठीक है, कुछ नहीं है, पीछे तो काली घाट की गुफा निकली तुम्हारी। क्या बोला, काली घाट की गुफा? हाथी वाथी के साथ चक्कर था क्या? तुम्हारी चुचियों को पियर्स किया है, मैंने सुना। हाँ, लेकिन मुझे क्या पता कि मेरी चुचियां देखकर वो लड़के अट्रैक्ट हो जाएंगे, वो वहां पर आने लगे और मुझे मेरे तन बदन के साथ खिलवाड़ करने लगे। भाई ऐसा कैसा मतलब कोई कर सकता है, इतना बंदा कैसे गिर सकता है कोई, जो दीपक कल्याण की चुचियों को देख के हॉर्नी हो गया। अरे अगर मतलब कोई यार, इतना मतलब कोई बंदा कैसे गिर सकता है यार, वो भी एक बंदा होके, लौंडा होके। तो भाई खत्म करते हैं अपना वीडियो यहीं। अगर आपको मेरे वीडियो थोड़ा बहुत ही पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है गाइज, और जय श्री राम, मिलते हैं आपको अगली ऐसी वीडियो में, जब तक इन दोनों की शादी हो जाएगी। ठीक है, धन्यवाद गाइज मेरा वीडियो देखने के लिए। चुचियां चाटने की कोशिश कर रहे थे वो लोगों का।